चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपना आखिरी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त काबिले समाअत करार दे दी। नैब तरमीम केस में एक शिक के अलावा तमाम शिकें कालेदम करार दे दी गई हैं। आम इंतखाबात जनवरी के तीसरे हफ्ते में कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि आम इंतखाबात पत्थर पर लकीर हैं, इंतखाबात में कोई रुकावट नहीं। उन्होंने कहा कि 30 नवंबर को हलका बंदियां मुकम्मल कर ली जाएंगी। हलका बंदियां मुकम्मल होने के बाद 54 दिन में इंतखाबात कराने हैं। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि 2013 में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात मुस्लिम लीग ने साजिश करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला। बाद में इस सियासी जमात को इसका नुकसान भी हुआ। 2018 में जनरल फैज और साकिब निसार का गठजोड़ था। और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने कहा है कि मेरी तरफ से इंतखाबात की तारीख का ऐलान गैर कानूनी होगा। इंतखाबात की तारीख निगरान वज़ीर आज़म नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि इंतखाबात की तारीख निगरान वज़ीर आज़म नहीं दे सकता। प्राइस कंट्रोल कमेटियों के मैकेनिज्म को बहाल किया गया है। गैर कानूनी तौर पर मुखीम पनाह गजीनों को वापस भेजा जाएगा।